मतलब यहाँ अल्लाह ताला अपनी ही तारीफ का भूखा है। अब ये सभी बातें अगर आप इन जाहिलों से पूछेंगे तो इनका जवाब होगा, इस्लाम में अकल का दखल हराम है। कुर्बानी, अल्लाह का फरमान या मौलवियों की साजिश, आखिर क्या है इतिहास कुर्बानी का और क्या है रिश्ता, और बाकी के अब्राहमिक मजहबों से आखिर क्यों इस्लाम से पहले के अब्राहमिक मजहबों में कुर्बानी नहीं होती थी, जबकि इस्लाम में यह फर्ज न होते हुए भी फर्ज दिखाई देती है और पूरी इस्लाम कौम इस जाहिलियत को करती है। और आखिर क्यों मोहम्मद ने अब्राहम के बेटे इशाक की कुर्बानी की कहानी में फिर बदल करके दूसरे बेटे इस्माइल को डाला। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। ना तो उनका खून और ना ही उनका मांस अल्लाह तक पहुंचता है, पहुंचती है तो बस तुम्हारी बंदगी। अल्लाह ने जानवरों को ऐसे ही तुम्हारे काबू में कर दिया है ताकि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह उसकी बड़ाई करो और नेक लोगों को आने वाली जिंदगी की खुशखबरी दो। क्या यह शब्द किसी खुदा के लगते हैं? ध्यान से देखा जाए तो अल्लाह खुद भी मान रहा है कि जानवरों का खून बहाकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो तुमसे ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि उसने तुमको यह करने का आदेश दिया है। क्या एक माँ अपने बेटे को यह हुक्म दे सकती है ऐसा देखने के लिए कि उसका बेटा यह आदेश मान रहा है या फिर नहीं, कि वो उसके लिए किसी मासूम जानवर की जान ले ले और फिर हर साल यही करवाए? जानवरों को उसने इंसानों के काबू में इसलिए किया है ताकि इंसान उसकी तारीफ करे। मतलब यहाँ अल्लाह ताला अपनी ही तारीफ का भूखा है। 70 माँ जितना चाहने वाला अल्लाह ताला गजब का निकला, लेकिन दुनिया में एक माँ भी ऐसी नहीं मिलेगी। यह सब बातें कुछ प्रश्न खड़ी करती हैं जिनका जवाब अल्लाह ताला नहीं देता। आखिर जानवरों को मारकर खुदा को क्या मिलेगा, जबकि वह कह चुका है उसको ना तो खून मिलता है और ना ही मांस, उसको मिलता है केवल बंदगी। और ऐसी बंदगी की आखिर जरूरत क्या? कुछ और तरीके से नहीं हो सकता था? आखिर अल्लाह ताला तारीफ का इतना भूखा क्यों? आखिर यह कुर्बानी फर्ज ना होकर भी इतना जरूरी क्यों? भले ही इन सवालों के जवाब अल्लाह ताला के पास ना हो, लेकिन मैं बेहतर तरीके से दे सकता हूं, तो आइए देखते हैं। कुर्बानी का इतिहास। हर साल सिर्फ कुर्बानी ही नहीं की जाती, बल्कि ईमान वालों को हर साल यह जाहिलाना किस्सा भी सुनाया जाता। हजरत इब्राहिम को सपने में अल्लाह द्वारा उसके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी जाती है और इसके जरिए अल्लाह इब्राहिम से उसे अल्लाह का सच्चा बंदा साबित करने की यह चुनौती देता है। या फिर ऐसा कहना ठीक होगा कि अल्लाह ने इब्राहिम को उसका ईमान परखने का इम्तहान मांग लिया। यह बात अगली सुबह इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कही। इसके बाद वो खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने को राजी हो जाता है। अगले दिन मीना मैदान में कुर्बानी के लिए इस्माइल को लिटा दिया जाता है। इसके बाद इब्राहिम अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है जिस वजह से उसका बेटा इस्माइल न दिख सके। वो जब पहली बार छुरी चलाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन दूसरी बार छुरी चलाता है और छुरी चल जाती है। इब्राहिम डर से घबरा कर आंखों से कपड़ा हटाकर देखता है तो इस्माइल एक तरफ खड़ा होता है। इब्राहिम देखता है कि फरिश्ता जिब्राइल, जो कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, उसने वहां जन्नती जानवर दुम्बा लिटा दिया था, जो कि अल्लाह की राह में इब्राहिम के हाथों से कुर्बान हो जाता है। यह देख इब्राहिम चौंक जाता है, जिस पर फरिश्ता जिब्राइल बताता है, यह तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हो गए हो। मतलब तुमने साबित कर ही दिया कि तुम कितने बड़े साइको कैरेक्टर हो, बिल्कुल अल्लाह की तरह। इसके बाद इब्राहिम ने अल्लाह के कहे अनुसार उस जानवर के तीन हिस्से किए, एक हिस्सा खुद के लिए, दूसरा पड़ोसी के लिए और तीसरा रिश्तेदारों के लिए। उस दिन को ईद उल अधा कहा जाने लगा, जिसको बकरीद भी कहते हैं। लेकिन कहानी तो कुरान में चोरी करके लिखी गई है, जो कि इस्लाम से पुराने मजहब यहूदी और ईसाई मजहब के किताबों से ली गई है। असल में उस जमाने में मिडिल ईस्ट के लोगों में कुर्बानी करने का रिवाज आम बात थी। कुर्बानी दो शब्दों कुब्र और बानी से बना है, जो कि हिब्रू भाषा का शब्द है। उस वक्त के लोग कुर्बानी को और भी अल्फाजों से जानते थे, जैसे कोरबन, कुर्बन, जो कि तोरा में मिलती है।
उस वक्त में लोग हर चीज के लिए कुर्बानी दिया करते थे, जैसे बीमार होने पर, कोई मन्नत मांगने पर। फसलों की कटाई, फसलों की बुआई और भी कई चीजों के लिए यहूदी कुर्बानी दिया करते थे। यहूदियों की पवित्र किताब तोरा में आता है कि अब्राहम ने कई पत्थरों की वेदी बनवाई जिस पर लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन उसमें कहीं भी कुर्बानी का जिक्र नहीं है। बाद में दाऊद यानी कि डेविड ने कुर्बानी का चलन शुरू किया। इसके बाद सुलेमान यानी सोलोमन ने वहां पर एक मंदिर बनवाया जिसको यहूदी आज सिनेगॉग कहते हैं, जिसको 937 ईसा पूर्व बनवाया गया था, जो कि इस्लाम के वक्त में नष्ट कर दिया गया। आज इसके केवल अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस कहानी को मजबूत करने वाली हमें सबसे बड़ी कड़ी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है, जहां पर अब्राहम को परमेश्वर सपने में आकर उसके बेटे इशाक की कुर्बानी मांगते हैं, जिस पर वह अगली सुबह उठकर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जाता है और उसको बचा लिया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इस्लाम की कहानी में इस्माइल का नाम आता है, जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम के बेटे इशाक की कुर्बानी का जिक्र है। ऐसा क्यों? देखने में यह लगता है बहुत छोटी सी बात है, और क्योंकि इस्लाम के हिसाब से पुराने सभी स्क्रिप्चर्स करप्ट हैं, इसलिए मोमिनों का मानना है कि वहां सब गलत लिखा है और इस्लाम में सब कुछ ठीक है, क्योंकि इस्लाम आखिरी अब्राहमिक मजहब है। लेकिन सच कुछ और है। इस्लाम को अब्राहमिक मजहब बनाने का खेल असल में यहूदियों की पवित्र किताब तोरा में एक आखिरी नबी के आने की बात लिखी है, जो ऐसा है कि इशाक के औलाद में से एक आखिरी नबी आएंगे जो इसराइल की औलाद से होगा, जबकि मोहम्मद साहब एक यहूदी से निकली जाती कुरैश, जो कि एक खाना बदोस कबीला था, यहाँ से था। ये लोग इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल की नस्ल में से होने का दावा करते थे, इसलिए जनाब मोहम्मद ने इशाक को इस्माइल में बदल दिया और खुद को नबी घोषित कर दिया। जबकि तोरा के अनुसार अब्राहम के बेटे इशाक और इशाक के बेटे याकूब के नाम पर यहूदी धर्म का नाम पड़ा, क्योंकि याकूब को यूदा भी कहते थे। याकूब ने उस वक्त 12 जातियों को मिलाकर एक देश बनाया, इज़राइल। इस्माइल को इसाक बनाने की बात मोहम्मद ने लोगों को इसलिए बताई थी कि क्योंकि वो समझते थे कि अगर कोई यहूदी के मुख्य नबी इब्राहिम को इस्लाम में शामिल करे तो ये सब मेरी बात मानना शुरू कर देंगे। इसलिए उसने मक्का में कुछ आयतें भी उतारी, जिसमें सूरह हज की 34वीं, 37वीं और सूरह सफात की सूरह भी शामिल है। पुराने समय में जानवरों को सिर्फ दो वजह से कुर्बान किया जाता था, एक उसका गोश्त खाने के लिए और दूसरी वजह कुछ मजहबों में अपने खुदाओं को जानवरों के खून देने का रिवाज था। दरअसल ऐसा माना जाता था कि ये खुदा खून पीते हैं, जिस कारण वो खुश होते हैं। इसी चीज को इस्लाम में शामिल करने के लिए जनाब मोहम्मद ने आसमान से आयतें भी उतारने शुरू कर दी। सूरह हज की 34वीं आयत में आता है, हमने तो हर उम्मत के वास्ते कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चार पाए खुदा ने उन्हें अता किए हैं उन पर कुर्बानी के वक्त खुदा का नाम ले। गरज तुम लोगों का माबूद वही खुदा है, तो उसी के फैरमा बदार बन जाओ। सूरह हज की आयत 37वीं, अल्लाह ने जानवरों को यूं तुम्हारे काबू में कर दिया है, ताकि जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह से उसकी तारीफ करो और नेक लोगों को आने वाली जिंदगी की खुशखबरी दो। सूरह सफात, इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तो तुम बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और जब इब्राहिम ने उनके रब की कई बातों को आजमाया तो उन्होंने उन्हें आखिरी दर्जे में पूरा कर दिखाया। सलाम हो इब्राहिम पर, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। बेशक इब्राहिम अपनी जगह एक अलग उम्मत थे, अल्लाह के फरमा बदार सब कातिलों के खुदाओं से कटकर सिर्फ एक अल्लाह के होने वाले थे, और वो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करने वाले हरगिज नहीं थे। तो इस तरह से मोहम्मद ने कुरान में ये आयतें बनाकर न खुद को सच्चा नबी बनाने की कोशिश की, बल्कि अपने कबीले के दावे को भी मजबूत किया कि वो इस्माइल की औलाद से हैं और इब्राहिम का प्यारा बेटा इसाक नहीं बल्कि इस्माइल ही था। एक और हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि
ऐ अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका, मतलब सल्लल्लाहु जी कुछ भी बोल जाते हैं। ईद की कुर्बानी को लेकर कुछ उलेमाओं में बहस है, कुछ इसे वाजिब कहते तो कुछ इसे सुन्नत कहते। कुर्बानी को लेकर कुछ हदीसें भी मिलती हैं जो इस तरह से हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करता है कि नबी 10 साल मदीना में रहा और हर साल कुर्बानी भी किया करता था। बुखारी के हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने भी ईद की नमाज के बाद जानवर जिबा किया उसकी कुर्बानी हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत पर अमल भी कर लिया। बुखारी के एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल 2 जानवरों की कुर्बानी किया करते थे और मैं भी 2 ही जानवरों की कुर्बानी दिया करता था। लेकिन यहाँ यह बात समझ में नहीं आती कि कुरान में अल्लाह अपने बंदों से यह भी कहता है कि तुम्हारे कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग कुर्बानी करते हैं। जो आयत मैंने पहले ही बताई कि अल्लाह के पास न तो कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता और न ही उसका खून। हालांकि जो अल्लाह ताला और नबी खुद को अब्राहमिक मजहब से जोड़कर खुद को दिखाने को बेताब थे, उन्होंने कभी इशाक की कुर्बानी की कहानी मौजूद होते हुए भी इस तरह की घटिया प्रथा कभी नहीं शुरू की। अब मौलवी दुनिया के इस दावे को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखते हैं। मौलवी दुनिया के मुताबिक कुर्बानी हर मुसलमान का फर्ज है। ऐसे तो जानवर की कुर्बानी को हजरत इब्राहिम से जोड़ा जाता है, लेकिन मौलवी हजारात पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत भी बताते हैं और अपने दावों के पक्ष में कुछ हदीसें भी पेश करते हैं। जमात ए इस्लाम के संस्थापक मौलाना सैयद अबू आलम साहब लिखते हैं कि नबी मदीना तैयबा के पूरे लोगों के सामने हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते रहे और मुसलमानों में यह सुन्नत आपके तरीके से ही जारी हुआ। इस बात में कोई शक नहीं कि बकरीद के मौके पर मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, ये नबी की ही सुन्नत है। कुर्बानी को लेकर विरोधाभासा। एक हदीस के अनुसार हजरत अनस फरमाते हैं, रसूल अल्लाह बकरीद के दिन हर साल 2 मेंढे, 1 काला और 1 सफेद अपने हाथों से जिबा किया करते थे। एक और हदीस में कहा गया है कि हज के मौके पर रसूल अल्लाह ने 100 ऊंटनियों की कुर्बानी दी थी। आइए अब दूसरी ओर देखते हैं। इन हदीसों में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद अपने परिवार के साथ बेहद गरीबी में जिंदगी गुजारी। एक हदीस के अनुसार मोहम्मद के घर वालों के पास कभी भी शाम को 1 शेर यानी 4 किलो अनाज इकट्ठा नहीं रहा। हालांकि सल्लल्लाहु जी के पास घोड़ों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। एक और हदीस में हजरत ऐसा फरमाती हैं कि हम नबी के मोहम्मद घर वाले ऐसे थे कि एक एक महीना आग नहीं जलाते थे, यानी कुछ नहीं पकाते थे। हमारी खुराक सिर्फ पानी और खजूर थी। एक और हदीस के अनुसार हजरत ऐसा ही फरमाती हैं, जब रसूल अल्लाह की वफात हुई तब आपकी जिरह यानी मिलिट्री आयरन ड्रेस एक यहूदी के पास 120 किलोग्राम जौ के बदले गिरवी रखी थी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब नबी इतने गरीब थे तो हर साल वो 2 जानवरों की कुर्बानी कैसे किया करते थे? आखिरी हज से लौटने के 2 महीने बाद रसूल अल्लाह की वफात हो गई थी। हदीस के अनुसार वफात के वक्त रसूल अल्लाह कर्जदार था। ऐसे में हज के मौके पर 100 ऊंटनियों की कुर्बानी बात कुछ हजम नहीं होती। अगर बात सच है तो सवाल यह पैदा होता है कि हज में 100 ऊंटनियों की कुर्बानी करने वाले रसूल अल्लाह के सामने आखिर ऐसे हालात कैसे बन गए कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए उसको अपनी जिरह तक गिरवी रखनी पड़ गई। अब ये सभी बातें अगर आप इन जाहिलों से पूछेंगे तो इनका जवाब होगा, इस्लाम में अकल का दखल हराम है। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।